solves few problems or few questions on the based on probability so we have example number one an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family the information gathered is listed in the table below as you can see on the screen so suppose a family is chosen and find the probability that the family is chosen is earning rupees 10000 to 13000 per month and owning ओइंक एक्जैक्टली टू व्हीकल्स सो हमें प्रॉबलिटी फाइंड आउट करनी है ऐसी फैमिली की जिसकी इनकम क्या है अर्निंग क्या है टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ है और क्या एक्जैक्टली exactly उनके पास क्या है टू व्हीकल्स हैं सो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपके पास जैसे देखिए हमें क्या कहा गया कि टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड इनकम हो जैसे आप जैसा कि आप देख सकते हैं और एक्जैक्टली टू व्हीकल्स हमारे पास ऐसी फैमिली कितनी हमारे पास ट्वेंटी नाइन फैमिली हमारे है पास हैं उसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखेंगे यर्निंग सिक्सटीन थाउजेंड और मोर पर मंथ एंड ओइंग एक्जैक्टली वन व्हीकल सिमिलरली हमारे पास क्या है सेवन थाउजेंड पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल ये हम कुछ केसेस हमें गिवन है इनकी प्रॉब्लिटी हमें फाइंड आउट करनी है सो so, देखिए फर्स्ट आप पार्ट देख सकते हैं इफ़ वी नेम द इवेंट सेलेक्टिंग ए फैमिली विद द अर्निंग रुपीज़ टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ एंड ओइंग एक्जैक्टली टू व्हीकल्स एज ईवन देखिए हमने इस जो फर्स्ट केस हमारा उसको इवेंट हमने दे दिया ई वन सो दे ईवन इज सिलेक्शन ऑफ फैमिली विद अर्निंग रुपीज टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ एंड ओइंग एक्जेक्टली टू व्हीकल्स सो ऑब्जर्विंग द टेबल केयरफुली द नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिसफाइंग इवेंट ईवन इज ट्वेंटी नाइन जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया सो देबिलिटी ऑफ इवेंट ईवन विल बी नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिसफाइंग इवेंट इवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज सो so, देखिए टोटल प्रोफो फैमिली हमारे पास कितनी है ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो एंड जो हमारे फेवर में है वो कितने ट्वेंटी नाइन है सो ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन सिमिलरली आप इवेंट ई टू का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सो so जो कि हमारे पास क्या है अर्निंग रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड और मोर पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली वन व्हीकल सो ऐसे केस हमारे पास देख सकते हैं आप एक्जैक्टली वन व्हीकल वाले और सिक्सटीन थाउजेंड से मोर आपका देख सकते हैं फाइव सेवेंटी नाइन हमारे पास है सो फाइव सेवेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड हो जाएगा सो so, सॉल्व करेंगे लिस्ट फॉर्म हमें मिलेगी वन नाइन थ्री अपॉन एट हंड्रेड सिमिलरली आप ई थ्री इवेंट सॉल्व कर सकते हैं ई फोर और ई फाइव इवेंट सॉल्व कर लेते हैं सो नाउ इन एग्जाम्पल नंबर टू यू कैन सी फ्रॉम ईच ऑफ द फाइव बैग्स ऑफ सीड्स फिफ्टी सीट्स पर रेंडमली सिलेक्टेड एट जर्मिनेशन देखिए आपने किसी फाइव बैग्स हैं आपके पास जो कि सीड्स है फुल हैं आपने क्या किया फिफ्टी पर सिलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन सो आफ्टर ट्वेंटी डेज द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड फ्राम ईच बैग आर टेबलेटेड एज बिलो सो देखिए हमारे पास फाइव बैग्स हैं बैग नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स जो हैं वो कितने फर्स्ट बैग में फोर्टी हैं सेकेंड बैग में फोर्टी एट हैं थर्ड बैग में फोर्टी टू हैं फोर्थ बैग में थर्टी नाइन है और फिफ्थ बैग में फोर्टी वन है फाइन द प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट ई सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग एटलीस्ट फोर्टी जर्मिनेटेड सीड्स सो देखिए हमारे पास क्या कम से कम फोर्टी जर्मिनेटेड सीड हों या उससे ज़्यादा हो, तो so, देख सकते हैं कम से कम फोर्टी या फोर्टी से ज़्यादा चाहिए तो आपको इवेंट देखिए फर्स्ट बैग ले सकते हैं सेकेंड ले सकते हैं थर्ड ले सकते हैं और फिफ्थ ले सकते हैं सो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल that बैग नंबर वन टू थ्री एंड फाइव हैव फोर्टी और मोर देन फोर्टी germinated seeds, which means at least फोर्टी germinated seeds आर certainly there. कम से कम फोर्टी तो होंगे होंगे उससे ज़्यादा ही होंगे सो देर आर फोर बैग्स विच आर फेवरेबल केसेज फॉर दिस इवेंट सो प्रॉबीबलिटी ऑफ इवेंट विल भी फोर बाई फाइव दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट एट सो आपके लिए एक एक्टिविटी है थिंक ऑफ योर नेबर्स रिलेटिव एंड नॉन पीपल हु वीयर स्पेक्ट स्पेक्टिकल एंड लिस्ट देम इन टेबल विद देयर एजेस नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ऑफ एज लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड आर स्पेक्टेकल सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी आपके लिए आप कर सकते हैं सो नाउ वी हैव टू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सो द फर्स्ट वन इज इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री एट टाइम्स आउट ऑफ फोर्टी बॉल्स ही प्लेड देखिए बैट्समैन क्या है एक्चुअली चालीस बॉल खेलता है जिसमें से आठ जो बॉल है उसकी वो क्या करती है बाउंड्री टच करती है मीन्स चौका लगाता है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडेंट हिट अ बाउंड्री कि आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करता है मीन्स आपको चौका नहीं लगाएगा सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड देखिए क्या है आपने फोर्टी बॉल्स खेली हैं नंबर ऑफ बॉल्स हिट द बाउंड्री बाउंड्रीज को कितनी बॉल हिट करती हैं दैट इज एट सो नंबर ऑफ बॉल्स दैट डिडेंट हिट बाउंड्री जो ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो बाउंड्री हिट नहीं करती है दैट इज़ फोर्टी माइनस एट दैट इज़ थर्टी टू जो कि हमारे फेवरेबल इवेंट है हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बॉल है डिडेंट हिट द बाउंड्री सो हमारे फेवर में है थर्टी टू बॉल्स सो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडन्ट हिट अ बाउंड्री उसने बाउंड्री हिट नहीं की है मीनस नंबर ऑफ बॉल्स दैट डिडेंट हट बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड सो हमारे फेवर में है थर्टी टू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी प्लेड हैं फोर्टी सो फोर्थ एट ज थर्टी टू फाइव एट ज फोर्टी सो फाइव इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज जीरो पॉइंट एट इसको हम राइट कर सकते हैं जीरो पॉइंट एट सो नाउ फ्रॉम द टेबल गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग है मोर देन फोर्टी एंड फोर्टी नाइन देखिए जो आपका एग्जाम्पल नंबर टू है उसने टेबल हमारे पास क्या बैग नंबर थे हमारे पास वन टू फाइव बैग्स थे और जर्मिनेटेड सीट्स थे उनके अंदर सो नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स हैं सो फर्स्ट बैग में फोर्टी थे सेकेंड बैग में फोर्टी एट थर्ड बैग में फोर्टी टू और फोर्थ बैग में थर्टी नाइन एंड फिफ्थ बैग में फोर्टी वन सो so, आपको क्या करना मोर देन फोर्टी जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं उनके बारे में बताना है ऐसे कितने बैग हैं उनकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है सो नाउ फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट बैग नंबर टू थ्री एंड फाइव जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्टी से ज़्यादा चाहिए आपको सो टू थ्री एंड फाइव वी हैव थ्री बैग्स सो मोर देन थर्टी मोर देन फोर्टी जर्मिनेटेड सीड्स इन थ्री बैग्स में क्या है मोर देन फोर्टी जर्मिनेटेड सीड्स हैं सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे फेवरेबल केसेज फॉर दिस इवेंट इज थ्री सो हमारे फेवर में थ्री बैग्स हैं एंड टोटल ब्रो बैग्स वी हैव फाइव so probability that more than 40 germinated seeds are there so number of favorable outcomes or you can say number of favorable cases upon total number of cases that is 3.5 so 0.6 is the probability and next we are to find the bag which has 49 germinated seeds but you can see from the table there is no bag which contains 49 germinated seeds so this is impossible event